आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं ये 3D प्लान। इसको आप इंटीरियर प्लान भी बोल सकते हैं और इसको हमने डिजाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। इसकी अगर फेसिंग की बात करें तो इसकी फेसिंग ईस्ट है और इस प्लॉट की साइज की बात करें तो ये 30x40 का प्लान है। 30 इसकी चौड़ाई है फ्रंट से और इसकी जो गहराई है वो 40 है और ये प्लॉट चारों साइड से ओपन है, फुल्ली वेंटिलेटेड प्लान है। इसको हमने मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया है और जो इसमें डिफेक्ट है, वास्तु डिफेक्ट, वो भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। प्लस इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे 2D डिटेल, 3D डिटेल आप देख ही रहे हैं, प्लस इसके साइजेस, कॉलम प्लेसमेंट और उसके साइजेस और इसकी कितनी लागत होगी बनाने में, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये एक बेहतरीन प्लान होने वाला है क्योंकि इसको हमने डिजाइन किया है 4 BHK के हिसाब से, जिसमें आपका हॉल, किचन और 4 बेडरूम्स इंक्लूड है। प्लस इसको आप रेंट पर्पस के हिसाब से भी बना सकते हैं क्योंकि हमारी जो सीढ़ी है वो आउटसाइड से चढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि आपको रेंट पे नहीं लेना तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए हम इस प्लान का ओवरव्यू ले लेते हैं और ये देखते हैं कि हमने कहाँ पे क्या मटीरियल यूज किया हुआ है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री की। हमें यहाँ पे 2 एंट्री मिलती है, एक ग्राउंड फ्लोर के लिए है और दूसरी जो है पावर फ्लोर कनेक्टिविटी के लिए, जो कि सीढ़ी रूम की है। ये हमारा सीढ़ी रूम है, हमने सीढ़ी को कुछ इस तरीके से चढ़ाया हुआ है। ये आपका क्लॉकवाइज सीढ़ी यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ पे आपका ये मेन लैंडिंग है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर खत्म हो जाता है। तो इतनी हाइट आप रख सकते हैं। इसकी हाइट और साइजेस वगैरह सारी डिटेल मैं आपको 2D में बताने वाला हूँ, इसलिए 2D को आप ध्यान से देखें और 3D को भी ध्यान से देखें कि हमने कहाँ पे मटेरियल क्या यूज किया हुआ है। प्लस इसके इंटरनल वॉल पे हमने ये टाइल्स यूज की है, स्टोन टाइल्स ग्रे कलर की। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए। ड्राइंग रूम भी काफी स्पेसियस है। ड्राइंग रूम में हमने सीटिंग कुछ इस तरीके से यूज की है, जैसे कि इस वॉल पे हमने 3 सीटर सोफा यूज किया है और सामने वाली वॉल पे 2 सीटर, और यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक हार्ड मटेरियल के पफीज बने आते हैं वो हमने यहाँ पे रखा है। प्लस सेंटर में सेंटर टेबल है और यहाँ पे आपका LCD पैनल आ जाएगा। विंडो की प्लेसमेंट आपको 2D में देखने को मिलेगी, प्लस इसके साइजेस भी। और ड्राइंग रूम प्लस गेस्ट के लिए हमने यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही गलत है। अगर आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दोष है, लेकिन हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ऐड किया था। अब हम बात करते हैं कि हमारा इसी लॉबी में हमारा 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है ये पूरा। उसके बाद साथ में हमारा यहाँ पे किचन आ जाता है, किचन का भी एरिया काफी बड़ा है। यहाँ पे काउंटर हमने कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सिंक आ गया, ये आपका कुकटॉप आ गया और यहाँ पे फ्रिज आ जाता है। तो इसकी वेंटिलेशन के लिए आप साउथ साइड में विंडो डाल सकते हैं या फिर इधर सीढ़ी वाले रूम में भी आप विंडो डाल सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने रूम्स वगैरह देख लेते हैं एक बार। रूम से पहले ये हमारे को यहाँ पे बीच में बड़ा सा लॉबी एरिया मिल रहा है, जो काफी अच्छा स्पेस है। उसके बाद इसी लॉबी से जो है हम इन चारों रूम में जा सकते हैं। जैसे एक हमारा यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे आपको बेड, अलमारी और LCD तीनों मिल जाते हैं इस रूम में। प्लस इसके साथ ही जो है पीछे एक रूम है, उसमें भी आपको बेड, अलमारी और LCD ये तीनों मिलते हैं। यहाँ पे फ्लोरिंग चेंज है, यहाँ पे हमने वुडन फ्लोरिंग की हुई है पीछे वाले रूम में, इसका आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमें 2 टॉयलेट मिल जाते हैं, एक इस रूम से अटैच है और ये एक हमने कॉमन पर्पस के लिए रखा है, जिससे कि क्योंकि चार यहाँ पे 4 बेडरूम्स हैं तो 4 बेडरूम के लिए एक कॉमन तो होना ही चाहिए। प्लस ये है यहाँ पे जो टॉयलेट हमने रखा हुआ है, ये रेयर यूज के लिए है कि कल को अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो इमरजेंसी में यूज कर सकता है। और जैसा मैंने बताया कि आप इसको हटा भी सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। यही एक मेजर डिफेक्ट है वास्तु का, ये टॉयलेट। बाकी सारी चीजें आपकी वास्तु के हिसाब से यहाँ पे प्लेस्ड हैं। प्लस यहाँ पे आपके 2 रूम हैं, इन सबके साइजेस जो है आपको 2D में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसके बाद हम 2D देख लेते हैं एक बार।
ये हमारा बेसिक 2D प्लान है और यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लॉट डिटेल देखना बहुत ही जरूरी है कि हमने किस तरीके से इसको डिजाइन किया है और हमने प्लॉट साइज क्या यूज किया है। तो हमारी जो प्लॉट की लेंथ है, जो ब्लू लाइन है पूरी, ये हमारी प्लॉट की लेंथ है और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 30 फुट है और यहाँ पे कॉर्नर में देखिए हमने 3 फुट इधर छोड़ा हुआ है और 3 फुट राइट साइड में छोड़ा हुआ है और बैक साइड में भी यहाँ से आपका 3 फुट है और फ्रंट में आपका 5 फुट छोड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से हमने इसको चारों साइड से ओपन रखा है जिससे कि पूरी वेंटिलेशन मिल सके। साइजेस डिस्कस करने से पहले मैं आपको वास्तु के 2-3 बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूं। सबसे पहला है बोरवेल, कि हम बोरवेल कहाँ रख सकते हैं। तो बोरवेल के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अच्छी प्लेस है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, 3 फुट इधर है, 5 फुट इधर तो है, तो हम यहाँ तक कहीं भी रख सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए बता रहा हूं, यहां से लेके पूरा यहां तक हम कहीं भी बोरवेल लगा सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा आता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, अगर आपको बाहर नहीं रखना तो आप अंदर भी रख सकते हैं। प्लस कोशिश कीजिए कि आपका ये कॉर्नर जो है दोनों साइड से 3-3 फुट आप छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है हमारा सेफ्टिक टैंक। तो सेफ्टिक टैंक की जो वास्तु के हिसाब से पोजीशन है वो है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेफ्टिक टैंक बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि नॉर्थ से 2-3 फुट छोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से बनाएं। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन आता है, वो है आपका साउथ सेंटर। अगर आपकी टॉयलेट की पोजिशन यहाँ पे है तभी आप यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे कि हमने किचन यहाँ पे दे रखा है तो किचन के पास आप बिल्कुल भी सेफ्टिक टैंक नहीं दे सकते। जस्ट मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप साउथ सेंटर में भी रख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब आपका यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, इस केस में बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि किचन आपका अंदर है, सीढ़ी बाहर है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे आप सेफ्टिक टैंक आराम से रख सकते हो। अगर आपकी किचन यहाँ पे होती और सीढ़ी यहाँ पे, तो उस केस में जो है सामने देना अच्छा नहीं होता जब तक कि आपके पास साइड में प्रॉपर स्पेस ना हो। अब मैं इन सबके साइजेस बताने वाला हूँ, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमारा ड्राइंग रूम आता है। ड्राइंग रूम का साइज हमने लिया है 14 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो आपका 11 फुट 4.5 इंच है। ये टॉयलेट को हमने नहीं लिया है, अगर मैं टॉयलेट वाले स्पेस को भी ले लेता हूँ तो उस कंडीशन में आपका 15 फुट 9 इंच का इतना बड़ा हॉल हो जाता है। उसके बाद हमारा जो डाइनिंग प्लेस होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा और ये हमारी सीढ़ी है। तो सीढ़ी का साइज भी हम देख लेते हैं, ये सीढ़ी का साइज भी 13 फुट 10.5 इंच चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट 10.5 इंच। सीढ़ी की चौड़ाई हमने ली हुई है 3 फुट और इसको हमने चढ़ाया है अभी 20 स्टेप डाले हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, उस कंडीशन में आप इस फ्लोर की हाइट 11 से 12 फुट आराम से रख सकते हैं। और एक चीज और आप देखने वाली चीज है कि कई लोग ये सोचेंगे कि हमारी एंट्रेंस जो है सीढ़ी से ही हमारी हो जाए, जो हमारी फ्लैट की एंट्रेंस यहाँ पे ना देके हम यहाँ पे अंदर दे दें, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 3.5 फुट है, अगर हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें, जैसे 3 इंच है, चाहे 1 फुट हम इसको और छोटा कर दें ड्राइंग रूम को, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे आराम से एक डोर दे सकते हैं जिससे आपकी एंट्रेंस जो है सीढ़ी से हो सकती है। हमारा अभी जो है लॉबी एरिया जो बन रहा है यहाँ पे डाइनिंग के लिए वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये साइज आप देख लीजिए। और टॉयलेट के साइज की यहाँ पे बात करूं तो टॉयलेट का साइज 6x4 का हमने रखा हुआ है कॉमन पर्पस के लिए। उसके बाद हमारा किचन आता है। किचन का साइज भी काफी बड़ा साइज है, 10 फुट चौड़ाई है इसकी और इसकी लंबाई 8 फुट 6 इंच है। यहाँ पे विंडो का साइज भी आप एक बार देख लीजिए, 5 फुट चौड़ी हमने विंडो ले रखी है। हाइट जो है दरवाजे के हिसाब से हो विंडो की हाइट तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारा जो है ये वाला जो है लॉबी एरिया काफी बड़ा है जो कि पूरा खाली होना चाहिए और इस हिसाब से हमने इसको बनाया भी है। उसके बाद हम रूम की बात करते हैं। रूम 4 पहले आता है, उसका साइज 10x10 का हमने रखा है।
उसके बाद रूम टू का साइज देख लीजिए, रूम टू का साइज भी आपका 12x10 का है। इसके साथ ये जो अटैच टॉयलेट है इसका साइज 4x8 का ये टॉयलेट है। और यहाँ पे हमने एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है कि जैसे कि फ्रंट वाला टॉयलेट आप नहीं रखते उस केस में आपका ये कॉमन काम करेगा। यहाँ पे भी आपका 8 है। इस बेडरूम का साइज भी आपका 10x12 ही है। बेडरूम 1 का साइज भी आपका 10x10 है। तो इस तरीके से आप तो इस घर का डिजाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कॉलम प्लेसमेंट्स की। ये हमारा कॉलम का एक बेसिक प्लेसमेंट प्लान है। यहाँ पे मैं आपको कॉलम के साइजेस बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बताने वाला हूँ कि अगर आप ये मैप से एक्चुअल में घर या फिर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको कितना खर्चा करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको कम से कम 15 लाख खर्चा करना पड़ेगा, इतना आप बजट रख के चले। उसके बाद जितना भी आप कॉस्टली मटेरियल खरीदेंगे तो उसके हिसाब से अगर मैं बजट की बात करूं तो 18 से 20 लाख आपका अच्छे से अच्छा डिजाइन हो सकता है। अच्छे से अच्छी मटेरियल आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें फर्नीचर इंक्लूड नहीं होगा तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कॉलम साइजेस की। तो कॉलम हमारे जो है यहाँ पे रेड क्रॉस आप देख रहे हैं, ये सारे कॉलम्स हैं और इनके साइजेस जो है अगर आप 2 फ्लोर रखते हैं तो आप इस कॉलम के साइज जो है 9x12 पे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बिल्डर फ्लोर बनाना है तो उस कंडीशन में आपको 9x15 रखना होगा। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 2 फ्लोर बनाना है या फिर बिल्डर फ्लोर बनाना है, तो उसी तरीके से आप कॉलम को प्लेस कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिला होगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।